अब हमारे पास प्रेरकत्व भी है किसी परिपथ के लिए, और दूसरा हमारे पास प्रतिबाधा भी है, तीसरा हमारे पास प्रतिघात भी है, कैपेसिटर भी है, प्रतिरोध भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास तीन चीज़ें मिलनी हैं जो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करती हैं। जैसे एक होता है L और एक होता है C और एक होता है R। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इनके बारे में, ठीक है। L के बारे में भी पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने एल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सौ प्रेरकत्व पढ़ा था, एल के बारे में पढ़ा था वहाँ पर। सी के बारे में हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर हमने संधारित्र पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा था। आर के बारे में हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो तीनों के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो कंपोनेंट हैं एल सी आर, इन तीनों से मिलकर या अलग अलग टाइप के परिपथ निर्माण करते हैं ये। जैसे सपोज करो, अगर मैं कोई करंट सोर्स है मेरे पास, मान लेते हैं कोई एसी करंट सोर्स है यहाँ पर, और इसके साथ में मैंने एक एल को जोड़ दिया, तो ये भी एक सर्किट बन गया, एक परिपथ है ये भी हर तरह का, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ करंट रुकेगी, है ना, और कुछ ना कुछ इस सर्किट की प्रतिबाधा होगी, है ना, इम्पीडेंस होगी कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज भी होगी, ठीक है। अब ऐसी क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कोई एसी सोर्स के साथ में हमने किसी कैपेसिटर को जोड़ दिया, सी को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी कोई परिपथ होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ करंट होगी, इसके कारण भी कुछ ना कुछ करंट रुकेगी, दूसरा इसमें प्रतिबाधा होगी, है ना, सारी चीज़ें इसके अंदर भी होंगी। ऐसे तीसरा सर्किट है हमारे पास, मान लेते हैं इसको हमने क्या किया, अलग से जोड़ दिया ये, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो मान लेते हैं ये आर है, और आर को हमने एसी सोर्स से जोड़ दिया, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिबाधा होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ करंट रुकेगी, तो सारी चीज़ें तीनों की अलग अलग होंगी। मतलब ये कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, और ये कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, और ये कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। तो हम लोग ये अलग अलग टाइप्स के जो सर्किट्स हैं, जो अभी हमारे पास एल सी और आर वाले सर्किट बने, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मतलब अलग अलग टाइप्स के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीन टाइप के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है हमारे पास, एक एल वाला, एक सी वाला, और एक आर वाला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर वाला, फिर पढ़ेंगे एल वाला, फिर पढ़ेंगे सी वाला, फिर इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे एल सी आर सर्किट, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना, इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, आर जो उस दिन मैं आप लोगों को समझा रहा था, वही चीज़ फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी परिपथ में केवल आर जुड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर क्या केवल आर है ना, कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं इसके साथ में जुड़ी हुई, ठीक है। तो इसमें जो करंट और वोल्टेज चलेंगी, उन वो कुछ अलग टाइप से चलेंगी, ठीक है, और इसमें कुछ चलेंगी जो एल में, वो कुछ अलग टाइप से चलेगी, सी में चलेंगी वो कुछ अलग टाइप से चलेंगी, तो तीनों में डिफरेंट होगा, तभी तो डिफरेंट आएगा तीनों में। तो यहाँ पर देखो, अगर पहली सिचुएशन की हम लोग बात करें, पहली सिचुएशन क्या है हमारे पास कि केवल क्या है हमारे पास, आर है। तो अगर पहली सिचुएशन आर की बात करें, तो जो हम सर्किट पढ़ने वाले हैं अभी, उस सर्किट में क्या होगा कि अगर सपोज करते हैं ये आपकी आई नॉट जो है करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो करंट मान लेते हैं यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में और उतनी ही बार अप होगी और उतनी ही बार डाउन होगी जितनी बार करंट अप होगी और जितनी बार करंट डाउन होगी। तो कहने का मतलब है दोनों एक साथ चलेंगी, कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ चलेंगी। तो दोनों के एक साथ चलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, मतलब कालांतर की बात करें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कालांतर, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो इसलिए कालांतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अब इस सिचुएशन का हम मैथमेटिकल रूप भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रतिबाधा निकलती है, कैसे करंट निकलती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डेरिवेटिव में करेंगे इसके। उसके अलावा सेकेंड जो पोजिशन है, सेकेंड में क्या है, एल जुड़ा हुआ है केवल, ठीक है। जब एल जुड़ा हुआ होगा सेकेंड में, तो करंट क्या होगी, उस दिन समझाया था, बताओ क्या होगा करंट, हाँ आसिफ बताओ करंट क्या होगी, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होगा, अभी परसों की तो बात है शायद, परसों की तो समझाया था ये, हाँ आयन बताओ, करंट पीछे चलेगी, कितने डिग्री पीछे चलेगी,
90 डिग्री पीछे चलेगी। तो इसका मतलब हो गया वोल्टेज क्या हो गई, आगे पहुंच गई, यानी वी नॉट जो है आगे है और आई नॉट जो है पीछे है। अब कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है इनके बीच में, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो यानी फाई इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो गया 90, तो इसको पाई बाई टू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो यानी इसमें करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, और इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी परिपथ में केवल R जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ अप होंगी और एक साथ डाउन होंगी, इसलिए उनके बीच का जो कलांतर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन जब L जुड़ा हुआ होगा तो इसमें करंट जो होगी वो पश्चगामी होगी वोल्टेज से, करंट क्या होगी पश्चगामी होगी। अब कितने डिग्री पश्चगामी होगी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया इसकी जो इक्वेशन बनेगी करंट की, तो I बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो थीटा में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री पीछे है ना, तो इसका मतलब थीटा जो है पीछे चल रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा टी माइनस फाई, फाई का मतलब हो गया 90 डिग्री जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो फाई की वैल्यू 90 भी हो सकती है। तो यहाँ पर कितनी लिखी हमने 90, तो यहाँ पर फाई की जगह 90 भी लिख सकते हो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू या 90, ठीक है। तो ये इसकी करंट की इक्वेशन बनेगी। तीसरे सिचुएशन क्या थी हमारे पास, तीसरे सिचुएशन में क्या है सी। अब सी जब कैपेसिटेंस होगा केवल किसी परिपथ का और उसमें कोई भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, धारा आगे हो जाएगी और वोल्टेज पीछे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट तो यहीं पर है बट वोल्टेज इसके पीछे है, बात क्लियर है। तो आप ध्यान से देखो वोल्टेज करंट से कितने डिग्री पश्चगामी है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी मिली हमें, पाई बाय टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है 90 डिग्री आगे चल रही है इससे, है ना, 90 डिग्री जो है करंट आगे चल रही है। तो इसमें करंट की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फिर पाई बाई टू, ठीक है, बात देखिए। अब ये तीनों सिचुएशंस के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और इनके डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो यही सिचुएशंस पढ़नी है, इनके ग्राफ बनाने हैं हमको, ठीक है। ये समझ में आ गई सिचुएशन तीनों, अब आगे बढ़ते हैं, अब पहला हेडिंग डालते हैं और पहला डेरिवेशन हम लोग करना शुरू करते हैं।